चले चले चले, ठीक है ठीक है ठीक है। लुक सेट, आज क्या अगर हम लोग सेट को देखते हैं तो सेट ये भाई क्या क्या है, सेट क्या है ये बताएगा, क्या है सेट क्या है। देखिए सेट आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं पर सेट पढ़ा होगा, सेट ही पढ़ा होगा। सेट भले मैथ्स की लैंग्वेज ना हो, सेट ही पढ़ा होगा, सेट है ना। हाँ सही है, सेट चल रहा है, सब सेट चल रहा है ना, सब सेट चल रहा है। ये तो कहा होगा ना किसी ने, कहीं पे सुना होगा, किसी ने कहा होगा, किसी ने जवाब दिया होगा इस चीज का। हाँ चले ठीक है, अगर सेट चल रहा है तो इधर देखेगा फिर सेट को ना, मैथ्स की लैंग्वेज में इधर देखे। लुक सेट की जो डिफिनेशन है दैट इज वेरी वेरी यूनिक, कि भाई सेट ऑफ वेल मतलब समझे कि डिस्टिंक्ट एंड मतलब ऐसे ही वर्ड है कुछ, डिस्टिंक्ट एंड दूसरा वेल डिफाइंड, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। अब डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड क्या है, थोड़ा इधर नजर रखिएगा जरा, मैं आप लोग इधर ही दिखाता हूँ। डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड, अब इनसे मुराद क्या है, इधर देखिए जरा। ऑब्जेक्ट्स की कलेक्शन है और वो ऑब्जेक्ट जो है वो वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, एंड डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है, हैविंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मीन्स के भाई देयर मस्ट बी यूनिकनेस ना इन ऑब्जेक्ट्स, मतलब कि अगर फॉर सपोज आप कह रहे हैं कि भाई मतलब ऐसा समझे कि लेट्स से मिसाल के तौर मैं कह रहा हूँ कि भाई एक क्लास में से मुझे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स चाहिए, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स चाहिए, अगर वो कह रहा है कि मैथ्स में तो इट कैन बी, अगर वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट कह रहा है तो इंटेलिजेंट नॉट बी अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी या उस इंटेलिजेंट स्टूडेंट की, या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स वहाँ पे होंगे, तो ऑब्वियसली ये सिस्टम क्या है। देखिएगा अगर फॉर सपोज मैथ्स का टीचर है तो मैथ्स के टीचर के हवाले से कोई और इंटेलिजेंट होगा, केमिस्ट्री के हवाले से कोई और होगा, फिजिक्स के हवाले से कोई और होगा, तो यू कैन नॉट ओवरऑल मतलब होलिस्टिक व्यू में आप ये नहीं कह सकते कि भाई जो है इंटेलिजेंट कौन सा बंदा है, क्योंकि हर किसी के पास ना इंटेलिजेंस अपनी है। हाँ अगर कोई ये आके कह के भाई मुझे मैथ्स में ही चाहिए तो उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज भी हो जाएंगी और डिफरेंट एक ऑब्जेक्ट भी डिफरेंट हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, सेट है। मैं थोड़ा फास्ट चलूंगा, देखिए हम लोगों ने इस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ऑब्वियसली ये सारी चीजें ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं पर कंफ्यूज करेंगी आपको। ऑब्वियसली मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ सेट का, सेट का एग्जाम्पल कैसा देता हूँ देखिए जरा। कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होते हैं, ऑब्वियसली सब्जेक्टिव भी होते हैं, सो व्हाट डज दैट मीन कि भाई अच्छा मैं अगर ये कहूँ कि भाई फॉर सपोज कि भाई मैं जो एग्जांपल देता रहता हूँ कि जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स गुजर चुके हैं, अ सेट ऑफ वेमेन प्रेसिडेंट्स ऑफ पाकिस्तान, क्या सेट होगा ये वेमेन प्रेसिडेंट बाबू? हाँ प्रेसिडेंट का है, मैंने प्राइम मिनिस्टर थोड़ी का है। नो सर, प्राइम मिनिस्टर है। शाबाश, मैंने सर ये नेम सेट होगा प्रेसिडेंट का, मतलब की बात ये है कि अगर देखा जाए तो नहीं है ना, तो सेट बनेगा ही नहीं। हाँ वो नल सेट की प्रॉपर्टी अलग है, मगर देखा जाए तो सेट ही नहीं है ना, हमारे पास नहीं है। जब नहीं होता उसको नल सेट दे देते हैं वो अलग बात है, मगर सेट नजर नहीं आ रहा। और मैं अगर यूं कहूँ कि भाई फॉर सपोज मैं कहूँ यहाँ पे देयर आर थ्री डॉट्स, यू विल से नो योर स्टेटमेंट इज रॉन्ग, नहीं है सेट। ये सेट क्यों नहीं, क्योंकि मैं जिस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज के तहत रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, वेल डिफाइंड नहीं है। समझ आ रही है, एक्चुअल चीज ये है, तो सेट का मतलब होना ये होता है। अच्छा दूसरी बात ये है कि फॉर सपोज मैं आपको बता दूंगा सेट को नोटिफाई कैसे करते हैं। सेट को हमेशा इन ब्रैकेट्स में अंदर रखते हैं। जब आप ब्रैकेट्स की बारी आती है तो फॉर सपोज कि मैं कहूँ कि भाई एक कॉमा बी कॉमा सी, ये हमेशा सेट जो अंदर एलिमेंट होते हैं, ये जो अंदर एलिमेंट है ना, ये वाले एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट, इनको हम लोग एलिमेंट भी कहते हैं ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। समझ आ रही है, एलिमेंट ऑब्जेक्ट इनको ये चीजें कहते हैं। उसके बाद ये हमेशा जो अंदर एलिमेंट आते हैं ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा हमेशा ज्यादातर छोटी ए बी सी, उसी को आप लोग न्यूमेरिकल भी लिख सकते हैं, डेजिल भी लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने ब्रैकेट दिया वीक मतलब डेज इन अ वीक, मिसाल के तौर पे ऐसे लिखते हैं ना, डेज इन अ वीक, आप लोगों ने ये लिख दिया भाई डेज इन अ वीक लिख दिया।
अब ये तो हमारी है, मगर ये भी सेट है। उसके बाद आप लोग इसको यूं भी तो लिख सकते हैं, मंडे ट्यूसडे, मंडे कामा ट्यूसडे, वेनसडे कामा, वो एक कामा लिखा जाता है। ऑब्वियसली ये चाहे मतलब चीज़ें भी आती हैं, तो बीच में ये चीज़ देखिएगा सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि भाई वन वन टू थ्री फोर, भाई फोर तो है ये, लेट से कि इसका नाम जो है वो ए है। जब आप लोग नाम रखते हैं ना, तो नाम हमेशा आप लोग कैपिटल में रखते हैं, याद रखिएगा कैपिटल वर्ड में, ठीक है ना, लेटर्स में, ये आपका कैपिटल होगा हमेशा। तो ये ए नहीं हो सकता, छोटी मतलब इसमें नहीं हो सकता, स्मॉल में नहीं हो सकता, सेट है। हाँ? जी घर से आवाज आ रही है तो जवाब भी जरूर चाहिए मुझे। गाइस जी सर, तो आवाज है ना, वही मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे परेशान हूँ कि सर आवाज शायद नहीं आ रही आप लोगों को, थोड़ा जल्दी रेस्पॉन्ड किया करें। शाबाश, ढीले ना बने, शाबाश, इधर देखें, इधर देखें, गुड। क्यों, डिस्टेंस लर्निंग है ना, कुछ ना कुछ हो जाता है। देखें एलिमेंट ऑब्जेक्ट क्या सकते हैं, मेंबर क्या सकते हैं, वो बीच वाले जो एलिमेंट थे उनको ये तीनों नाम से आप लोग पुकार सकते हैं। उसके बाद सेट्स आर लिस्टेड विद इन ब्रैकेट्स, ये ब्रैकेट में ही होंगे, अभी भी मैंने बताया है। एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, मैंने कहा है ना कि वन कॉमा टू कॉमा थ्री, ये सीधे मतलब चीजें होंगी। उसके बाद एक चीज याद रखिएगा, इसमें रिपीटेड नहीं होगा, वन कामा टू कामा वन लिख दिया मैंने, अब ये वन और वन दो चीजें आगे, तो ये रिपीटेड हमेशा नहीं होगा, याद रखिएगा, रिपीटेड नहीं देंगे हम लोग। रिपीटेड होगा तो वो सेट नहीं कहलाएगा, सेट में हमेशा डिस्टिंक्ट होते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, समझ आ रही है ना, ये यहाँ पे डिस्टिंक्ट समझ आ गया, कैपिटल से शो होता है, ठीक है ना। हाँ तो देखिए जी बाबू सर, बाहर वाला जो भी लेटर होगा वो कैपिटल से शो होगा। हाँ ऑब्वियसली, हाँ वो कैपिटल से ही होगा, ठीक है ना। आगे 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 देखियो, जैसे कि यहाँ पे देखें सेट है कि भाई एक मिनट एक मिनट, ए देखें, बी देखें, सी देखें, हर किसी के पास एलिमेंट अलग अलग है। हाँ वन कामा टू कामा थ्री को मैं यूं लिख सकता हूँ, मैं थ्री इधर लिख दूँ, टू इधर लिख दूँ, वन इधर, मेरी मर्जी, मसला नहीं है। आपने एलिमेंट अगर इधर उधर कर दिए हैं इशू नहीं है, ठीक है ना, होने डिस्टिंक्ट चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट, शाबाश 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 शाबाश। अब देखियो, अब उसके बाद ना सेट के फॉर्म्स हैं, सेट के फॉर्म है, कौन कौन से फॉर्म्स हैं कोई बताएगा मुझे? नंबर्स में लिखते हैं या फॉर सपोज लेटर्स में लिखना, तो उनका हम लोग ना हमेशा कॉमा से सेपरेट ऐसे ही करते हैं टेबुलर फॉर्मेट में, समझ आ रही है? टेबुलर फॉर्मेट, एक तो टेबुलर फॉर्म ये है, देखिए एक ये फॉर्म है, उसके बाद दूसरा है हमारे पास डिस्क्रिप्टिव है, उसके बाद सेट बिल्डर है, ये तीन है, मेरी बात समझ आ रही है? ये तीन फॉर्म्स हैं, टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म। अब टेबुलर फॉर्म हम लोग जैसे ये लिखा हुआ वन से लेकर टेन तक, अब वन से लेकर टेन तक ये क्या है, नेचुरल नंबर है। दूसरे ए में देखें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अप टू 100 फॉर सपोज, सॉरी 10 है, यहाँ पे वैसे 10 ही है, इधर इधर इधर, सॉरी 100 लिख दें, मसला नहीं है 100, क्योंकि नीचे दोनों में 100 है, ये वैसे 100 है, ठीक है। तो देखें अगर ऊपर ए से 1 से लेकर 100 है, और ये इसमें भी 100 की बारी है, इसमें कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एन बिलोंग्स टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल एंड एक्स इज इक्वल टू 100, तो मुझे बताएगा इन तीनों में फर्क क्या है, इसमें 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 क्या फर्क है? बात सेम ही है, मगर एक अंदाजे बयां अलग है। हाँ अंदाजे बयां अलग है, बाकी बात सेम है, भाई गाल साथ दिया मसलों को ने, ठीक है ना। इधर देखिए जरा, बात सेम है, वो कह रहे वन से लेकर 100 तक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 100 तक है, इसके बाद ये भी कह रहे कि 100 तक है,
मसला क्या है, हमें पहचानने में इशू होता है, ये वालों को तो पहचान लेते हैं। देखिए ना, इसका मतलब है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही है, यू हैव टू डिस्क्राइब इन योर वर्ड्स। डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही होता है डिस्क्रिप्टिव। आप लोगों ने पढ़े होंगे डिस्क्रिप्टिव स्टोरी, नैरेटिव स्टोरी, ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। मगर बात यह कि डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या, जब सेट की बारी आती है आसा पवारी है तो गुता आनता हूँ, वो आनता हूँ। तो बात यह है कि भाई डिस्क्रिप्टिव का मतलब ही डिस्क्राइब करना, तो डिस्क्राइब कर दिया ना मैंने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर अप टू 100, ये वर्ड्स में तो किया है। तो ऊपर वाला मेरा मतलब के क्या कहते हैं कि टेबुलर फॉर्म है, नीचे वाला जो सेकंड वाला जो है वो डिस्क्रिप्टिव है, थर्ड है जो टेबी वो है सेट बिल्डर फॉर्म। अब सेट बिल्डर फॉर्म थोड़ा आप लोगों को लगता है कि भाई इसको हम लोग क्या करें, अब कैसे करें, अब बड़े है ना। इधर देखियो, इधर 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 आप लोगों को मसला है। देखें मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लेट से मैं लिखता हूँ एक्स, देखे 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 मैं लिखता हूँ 2, 4, 6, ये क्या है, इवन नंबर्स हैं। दीज आर कॉल्ड इवन नंबर्स ना, इवन नंबर्स। अब देखियो, अब इनको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, देखिए ये ब्रैकेट दे दिया आप लोगों ने। अब कैसे कहते हैं यार, वो जैसे कि आपका बेटा जो है वो ऐसा ऑब्वियसली होता है ना सोसाइटी में, मतलब ये वर्ड्स होते हैं, जैसे कि आपका बेटा जो है वो यूं कर रहा है, वो कर रहा है, और ये कर रहा है, वो चीजें कर रहा है ना, ऐसी चीजें होती हैं। या फॉर सपोज कहीं पे आता है कि भाई उनका बेटा ऐसा होता ना कि उनका बेटा जैसे कि बिलोंग करता है उस फैमिली से, मतलब पूरा खानदान की बात होती है, विलेज की बात, विलेज की अगर मैं बात करूँ यार, उनका बेटा जैसे जैसे कि उनका बेटा मतलब बिलोंग करता है उस विलेज से, उसने ये हरकत कर दी है, ऐसा वो सिस्टम होता है। यहाँ पे यूँ होता है कि भाई एक्स सच दैट एक्स, एक्स जैसे कि एक्स बिलोंग कर रहा है किसके साथ, बिलोंग कर रहा है ऊपर क्या इवन नंबर्स हैं, बिलोंग कर रहा है इवन नंबर्स के साथ, बिलोंग टू इवन नंबर। एंड अब ये एंड की सिंबल होती है, एंड एक्स बराबर कितने के है, एक्स बराबर है मेरा 8 के, इवन नंबर तो है, एक्स बराबर जो 8 के है, याद रखिएगा एक्स सिर्फ 8 के जो बराबर है, ये 8 नहीं है सिर्फ, आपको कह रहा है कि भाई इवन तो है 8 के बराबर है, इसका मतलब है एक्स पूरी एक सीरीज लेके आपके पास आ रहा है, मैं 8 तक हूँ, तो वो कह रहा है कि मैं एक मंजिल तय करके आया हूँ कहाँ से, जहाँ से इवन नंबर स्टार्ट हो रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है, मैं रिपीट कर रहा हूँ, मसला नहीं है, अभी तक तो सारा मतलब ज्यादातर को समझ आ रही है ना, मेरे हौसले थोड़े बुलंद करे, सारों को समझ नहीं आ रही, तुम का देव यहाँ पो है। एक मिनट क्या, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ये आपका हमेशा कांस्टेंट रहेगा, आपका सिर्फ ये चेंज होगा, ये चीज चेंज होगी। स्नेहा इधर देखें जरा, स्नेहा यू हैव टू लुक एट द बोर्ड, बहुत गौर से देखना है, इधर देखें। देखिए लेट से फॉर सपोज मैं कहता हूँ कि 1, 3, 5, 7 ये कौन से नंबर है, दीज आर कॉल्ड odd numbers। अब आपने लिखना है, आपने लिखना है x such that x belongs to इकी अदद है ना, belongs to odd number, and अब x बराबर किसकी है, x is equal to 7 के, क्योंकि x जो है ये पूरी सीरीज लेके आ रहा है 1 से लेकर 7 तक है। हाँ अगर आप देखें ये चीज चेंज होती रहती है, ये परमानेंट नहीं होती। अगर ऐसा लिखें, अगर मैं लिखूं कि x is less than 9, इसका मतलब भी तो यही है ना कि odd number जो 9 से सारे कम है वो सारे तो odd है, 9 से कम ऑड कौन से हैं, वही है 1, 3, 5, 7। अगर मैं कहूँ एक्स इज इक्वल टू 7 कहता हूँ, इसका मतलब 1 से लेकर 7 तक है। गाइस तो अगर फॉर सपोज मैं यूं कहूँ मिसाल के तौर पे कि भाई लेट्स से कि अगर मैं यूं कहता हूँ कि मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि 7, 9, 11, 13, अब मैंने ये लिख दिया, अब इनको कैसे लिखेंगे, शाबाश जल्दी करें, आप लोग खुद कोशिश करें इनको कैसे लिखेंगे आप लोग। अब ये तो देखे ना, पहले वाला नंबर भी गुम है और आखिर वाला भी गुम है, बीच वाला नंबर ऐसे मिल गया हमें, इनको हम लोग कैसे लिखेंगे, थोड़ा कोशिश करें आप लोग, शाबाश जल्दी करें, बताएं मुझे, हाउ विल यू राइट दीज टाइप ऑफ इन मतलब के मतलब दिस टेबुलर फॉर्मेट इन टू इन
सेट बिल्ड फॉर्म, शाबाश। कांस्टेंट नंबर x इक्वल टू 13 ना स्नेहा, शाबाश शाबाश, कोई मसला नहीं है। मैंने इसलिए दिया है कि आप लोगों को थोड़ा पता तो ना, थोड़ा परेशान तो करूँ ना, ताकि फिर लग पता जाना होता है ना। शाबाश, जल्दी करें। शाबाश, हो गया? नहीं हुआ, मुझे पता था। इधर देखें, बिलोंग्स तो ठीक है। ओके ओके जमीला, गुड ट्राई गुड ट्राई। इधर 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 देखिए, पहले बात तो आपको ये लिखना है कि एक्स बिलोंग्स तो, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स तो ऑड नंबर्स, एंड देखें, एंड इधर देखें भाई, मुझे पता है x बराबर है 13 के। अगर मैं x बराबर, इधर देखियो, अगर x बराबर मैं 13 के कर देता हूँ, तो इसका मतलब तो ये है कि फिर तो 1 भी इंक्लूड है, 3 भी इंक्लूड है, 5 भी इंक्लूड है, वो तो उसमें है ही नहीं, वो तो उसी में है ही नहीं ना। व्हाट आई विल डू एक्चुअली, देखियो जरा, देखे देखे देखे, x इज, मैं अगर यूं भी लिख सकता हूँ, x इज ग्रेटर देन 5 एंड x इज इक्वल टू 13 लिखे, ये x इज लेस देन 15 लिखें, कोई मसला नहीं है। ये कहानी समझ आ रही है? ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग। अगर फॉर सपोज मैं इनको यूं कहूं, सर जैसा 5 छो लिखे उसे, छोटे सा पहले वाले में तो ना पाया करें। हाँ, पहले वाले इसलिए नहीं कर रहे थे कि स्टार्टिंग से लेकर वो शुरू था, अब यहाँ पे स्टार्टिंग से नहीं है, इसलिए कह रहे हैं कि x, पहली बात तो x 5 से बड़ा है, x 5 से बड़ा है और 15 से छोटा है, तो x 5 से बड़ा और 15 से छोटे नंबर कौन कौन से आ रहे हैं, बीच में कौन कौन से आ रहे हैं, ऑड नंबर्स 7 9 ये आ रहे हैं। हाँ हाँ, देखे देखे देखे, x 5 से बड़े 3 है, हाँ सॉरी 5 से बड़े, मुझे तो कहा 5 से छोटे। स्नेहा आंखें खोलो, शाबाश, हैं खोलो पड़ी, शाबाश। x ग्रेटर देन 5 एंड x इज इक्वल टू 13, बात क्या हुई? बात वही होगी जो ऊपर लिखा हुआ है। अब इसी को आप लोग इनइक्वालिटीज हम लोग पढ़े हैं, इनइक्वालिटीज पढ़े हैं, है ना, इनइक्वालिटीज अगर पढ़े हैं तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर 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 हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड लेट्स से कि भाई 5 या मैं 7 करता हूँ, 7 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन आर इक्वल टू 13, क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं? देखें जरा गाइस, अब देखिए ये और तरीका है, बात सेम है, बात सेम ही है, बात सेम ही है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक्स वो जो है 7 से बड़ा है या 7 जितना है, 7 भी इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड की बात आ गई, 13 से छोटा है या 13 जितना है, तो इंक्लूडेड की बात आ गई, 13 से बढ़ने नहीं देगा, 13 से छोटा है या 13 है। एम आई क्लियर? शाबाश 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 शाबाश। अब देखियो, अच्छा इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। अब आप लोगों में जब मैं टेस्ट दूंगा तो इंशाल्लाह मैं दूंगा, है ना, फिर मेरी मर्जी होगी मैं जैसा एमसीक्यू दूं आप लोगों को, है ना। अब इधर देखियो जरा, शाबाश, लुक, अच्छा ये सेट बिल्डर फॉर्म था, और उसके बाद क्योंकि हमारे पास सिर्फ ये स्क्रीन है, अच्छा फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट की हम लोग बारी मतलब बात करते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, देखिए फाइनाइट और इनफाइनाइट से तो कॉन्सेप्ट आपको पता होगा। फाइनाइट का मतलब क्या है? फाइनाइट का मतलब ये है कि जिसकी हद हो, जिसकी हदूद हो, जहाँ पे ये ख़त्म होने वाला हो। इनफाइनाइट का मतलब है जिसकी हदूद ना हो, मतलब जो जिसकी हद नज़र ना आए। ऐसे यही वही वही, हाँ सिंधी में सराकी में कहते हैं या ही या, ठीक है ना, तो गया ही गया जिसको हम लोग कहते हैं, जिसकी जिसका कोई स्टॉप ना हो, those are called infinite set. तो मेरी बात सुने, यहाँ पे देखिए, a जो है 1 2 3 खत्म हो गया, b जो है 1 2 3 आगे चल रहा है, इस डॉट का मतलब epilepsis, ये चल रहा है आगे, c में देखे खत्म हो गया, d में देखे खत्म नहीं हो रहा है, आगे चल रहा है, इट मीन्स के जो फाइनाइट सेट है वो फाइनाइट खत्म होने वाले हैं, वो a और c है, b एंड d जो है these are called infinite set. कहानी समझ आ रही है गाइज? शाबाश।
अगर मैं आगे बढ़ूं, आगे 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 आगे, इधर देखें, फिर आता है एम्प्टी वाइड नल सेट, एक ही बार ही मतलब होती है। अब जो सेट आपको कॉन्सेप्ट दिया, अब अच्छा अच्छा इधर इधर इधर, मुझे कोई बताएगा ए बी सी डी ई में से नल सेट कौन कौन सा है? मैं अगर आप लोगों से पूछूं, क्या ये नल सेट है? सॉरी, देखे देखे, शाबाश, ई सर, बी, ई और बी, ये सी सर, सी सी भी नल है? नो सर, अगर सी नल है तो फिर डी भी तो नल सेट होगा। अब इधर देखिए, इधर देखिए, शाबाश, इधर देखें। देखने की बात यह है कि भाई याद रखियो, एक तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी नहीं हो, वो जीरो आ जाए, कुछ भी आ जाए, फिर वो सेट हो जाएगा, ठीक है ना? मतलब नल सेट के अलावा फिर एलिमेंट है, जीरो अपना खुद एलिमेंट है, जीरो खुद कोई आइडेंटिटी तो दे रहा है ना, जीरो अपनी आइडेंटिटी तो दे रहा है ना कि भाई मैं जीरो हूं अंदर। जीरो को हम लोग ऐसा खाली नहीं देख रहे हैं, जीरो को हम लोग ऐसा एलिमेंट देखते हैं, क्योंकि जीरो एज अ एलिमेंट, भाई जब इसमें है ही कुछ नहीं, जब इसमें स्पेस है ही कुछ नहीं, तो जीरो डालने की जरूरत क्या है? हाँ, जीरो डालने की तो जरूरत ही नहीं है ना, जब इसमें अंदर कुछ नहीं है, पता है ना ब्रैकेट के अंदर है ही कुछ नहीं, जीरो क्यों लगा रहे हैं? अब देखें, एक तो इसको नल सेट कहते हैं, उसके बाद एक वर्ड है फाई, एफ वाई, फाई, एंड फाई इज आल्सो कॉल्ड नल सेट। अब नल सेट जो है फाई, अगर ब्रैकेट में फाई आ जाता है तो भी ये नल सेट नहीं होगा, याद रखियो, तो भी ये नल सेट नहीं होगा, तो ये नल सेट नहीं है, एक तो ये नल सेट नहीं है, एक तो ये नल सेट नहीं है। नल सेट कौन से हैं? एक ये है, एक ये है, फाई। एंड उसके बाद सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगलटन सेट का मतलब होता है कि अंदर एक एलिमेंट हो, तो मुझे बताया सिंगलटन सेट कौन सा होगा? सिर्फ उसका ऑब्जेक्ट एक हो, एलिमेंट एक हो। सर डी, डी और कौन सा है? और कोई नहीं है सर। और सी भी तो है ना? सी सर, शाबाश, सी एंड डी आर सिंगलटन सेट्स। तो आगे देखिए, आगे 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 देखिए, सिंगलटन सेट का हो गया माशाल्लाह से। अब इक्वल सेट का हम लोग पढ़ लेते हैं, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट का। इधर देखें जरा, इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट का देखें, मसला उनका बराबर ही है, कहें बराबर ही। मुझे ये बताएं कि ए और बी में क्या फर्क है, कोई बताएगा मुझे? सेम ही है एलिमेंट, फर्क नहीं है, सिर्फ बाहर वाले का फर्क है, वो ए वो बी है। बाबू एक मिनट, नहीं नहीं वो नहीं, इनको छोड़ दे, मैं एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। इसमें वन है, वन टू टू, ये सेम है ना। मुझे ये बताएं कि ए और सी का क्या फर्क है? सर वो अलग है, वो वन टू है, वो अल्फाबेट्स है। अच्छा, एक चीज जो इसमें सेम है वो क्या चीज है, पता है आप लोगों को? सर वो भी तीन है, तो वो भी तीन है। हाँ शाबाश, हाँ लाई ना सेम, शाबाश शाबाश, हाने 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 रस्ते थे पुगाओ ना। अब इधर देखियोगा, इधर इधर देखें, इक्वल सेट का मतलब है कि देयर मस्ट बी सेम एलिमेंट। क्या सेम एलिमेंट कहा जाता है? सेम एलिमेंट कहा जाता है। इक्विवेलेंट का होता है कि सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या सेम नंबर ऑफ एलिमेंट कहते हैं आप लोगों को? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब है कि तादाद कितनी है, तादाद, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब है तादाद कितनी है, तो वो इक्विवेलेंट होते हैं। अब कौन कौन से नंबर हैं? सागया एन नाइन एक जैसे हैं नहीं है, एक जैसे होना इक्वल होता है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होना, उनका तादाद एक जैसे होना इक्विवेलेंट होता है। तो मुझे ये बताया कि वन टू थ्री यहाँ पे भी है, वन टू थ्री यहाँ पे भी है, तो ये सेम तो है ना, तो ये इक्वल हुए। अब देखियो देखियो, ये इक्वल है, सेम है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे तीन है, यहाँ पे तीन है, भले ये अलग अलग हैं मगर तादाद सेम है। तादाद, जब तादाद सेम है तो वो इक्विवेलेंट होंगे। अब वैसे ही कि ये और सी और डी, अब ये देखें सी और डी देखें, ये भी इक्विवेलेंट है। ए और सी, ए और डी देखें इक्विवेलेंट है, बी और डी देखें इक्विवेलेंट है। मगर एक बात हमेशा याद रखिएगा मेरी, कि ए और बी इक्वल भी हैं और ये इक्विवेलेंट भी हैं, इक्विवेलेंट भी हैं, क्योंकि तादाद भी तो सेम है ना। अगर दो सेट इक्वल होंगे तो इक्विवेलेंट भी तो होंगे, क्योंकि इक्वल है तो तादाद भी तो सेम है, तो इक्वल है ना वो। इक्वल सेट हमेशा इक्वेलेंट होंगे और इक्वेलेंट हमेशा इक्वल नहीं हो सकते, याद रखिएगा। समझ आई?
guys. Yes. शाबाश. तो इक्वल को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे इक्वल को रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, ए या सिंबल पे जो इक्वालिटी की, अगर ए जो है बी का इक्वालेंट है तो इक्वालेंट के सिंबल ये है, ठीक है. अगर बी सी का इक्वालेंट है तो बी और सी को इक्वालेंट ऐसे लिखेंगे हम लोग. शाबाश. अब देखियो अच्छा इसको हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, सबसेट पे फिर वो हम लोग आगे चले जाएंगे. सेट का आई थिंक यहाँ तक का अभी तक के क्या मतलब काफ़ी है, इतना ज़्यादा वो क्योंकि हमारे पास है नहीं और टाइम भी नहीं है, आगे हम लोगों ने ग्राफ भी पढ़ने हैं. सेट का यहाँ तक का काफ़ी है, बाकी डिसजॉइंट सेट ओवरलैपिंग सेट में आप लोगों को पढ़ा देता हूँ. डिसजॉइंट ओवरलैपिंग सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं और वो हमारे काम आते हैं प्रॉपर्टीज़ बनाने के लिए. अब प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो फिर आगे इंशाल्लाह आप लोगों को जब डिसजॉइंट मतलब ओवरलैपिंग का पता चलेगा. देखिए सेट कहलाते हैं डिसजॉइंट सेट एंड ओवरलैपिंग सेट्स. डिसजॉइंट एंड ओवरलैपिंग सेट्स, क्या ओवरलैपिंग सेट. डिसजॉइंट का मतलब क्या है भाई, जुदा है ना. डिसजॉइंट का मतलब जुदा, ओवरलैपिंग मतलब क्या, बिछड़े हुए लोग हैं. सॉरी पिछड़े वो लोग इधर सेम बात है. मैंने इसी को नजर में रखा. ओवरलैपिंग का मतलब है कि भाई कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट करना, मिल जाना, मिलना, ठीक है ना. ओवरलैपिंग का मतलब यही है भाई. अगर फॉर सपोज मैं लिखता हूँ ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, बी इज इक्वल टू 3 4 5 है, 5. सी इज इक्वल टू लिखता हूँ के 5 6 7 है. अब मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा आप लोगों से कि ए और बी का सेम क्या नंबर है. 3 है, 3 इज द सेम, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, सॉरी ये वाला. एंड फॉर, क्योंकि दोनों ओवरलैप कर रहे हैं ना, एक ओवरलैपिंग है मतलब एक एक सिमिलर नंबर है मतलब एलिमेंट है उसमें भी है उसी में, तो वो ओवरलैपिंग सेट्स होंगे. ए और सी में कोई है, सी में ए और सी में नहीं है. एक भी अगर ना हो ना वो डिसजॉइंट होगा, भले सारे साथ हो एक जैसे हो इक्वल हो कोई मसला नहीं है. अगर अलग अलग एलिमेंट हुए सारों के एक भी मतलब सिमिलर ना हुआ तो वो डिसजॉइंट कहलाते हैं. गॉट इट. यस. तो आई थिंक सेट का इधर का काफ़ी है, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो ना रमज़ान की वजह से मेरे अपनी भी थोड़ी आजकल को कहते हैं टाइमिंग का मसला ऐसा है कि एनर्जी का बहुत बड़ा मसला होता है रमज़ान में स्पेशली ना, ये चीज़ भी है और ये मानने वाली चीज़ है ना. सो सेट का मैं आप लोगों को कहाँ से दूँ. आई थिंक सेट की वैसी कोई है नहीं गाइस. तो कल तक के लिए आप लोग जो पुरानी असाइनमेंट्स आप लोगों को गिवन है वो कर लें, am I right? वेन डायग्राम करें पक्का. अगर वेन डायग्राम करना है तो फिर इधर देखें, फिर इधर देखें, तो फिर इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं. फिर हमें सारा पढ़ना पड़ेगा ला इला, इधर देखें जरा. फिर हम लोग प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वेन डायग्राम ही पढ़ेंगे. मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ सबसेट एंड मेजॉरिटी वही है, बात कर रहे हैं ना तो वो जरूरी है. अब देखें सबसेट और सुपर सेट की हम लोग बात करते हैं. देखिये सबसेट का मतलब ये होता है कि अगर दो सेट हैं, इधर देखें जरा, सबसेट एंड सुपर सेट की बारी आप कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे. सबसेट का मतलब ये होता है कि एक सेट के दूसरे एक सेट के
जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे दूसरे में होने चाहिए, वो सबसेट कहलाता है। ए के जितने एलिमेंट है वो बी में हैं। यस यस सर, एक एक है जो, क्योंकि एक ए में एक ही है तो पूरे का पूरा बी में है, तो ए जो है बी का सबसेट होगा। तो वैसे ए जो है वो सी का भी सबसेट है, वैसे ए जो है वो डी का भी सबसेट है। डी में वो ये वन खड़ा है ना, देखें वैसे ही ऐसा। अच्छा उसके बाद जो है कि मुझे ये बताएं कि बी, क्या बी सी का सबसेट होगा? यस जी सर, बी जो है वो सी का सबसेट है। बी जो क्यू के वन टू थ्री वो सारे सी में वन टू थ्री आ रहे हैं, इसलिए बी ए सबसेट ऑफ सी। अब एक बात याद रखिएगा, क्या सी डी का सबसेट है? सी जो है क्या डी का सबसेट है? जी सर, इक्वल है भाई। देखिए इक्वल तो है, मैंने कहा था कि सबसेट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऑल दी एलिमेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट इन अदर सेट ना, तो इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट तो है ना, प्रेजेंट तो है ना। ये मसला लगे कि इक्वल है वो नहीं, इक्वल प्रेजेंट अगर है इसका मतलब है ये सी सबसेट होगा। सी क्या होगा? सबसेट ऑफ डी होगा। वैसे अगर डी भी तो सबसेट होगा तो डी भी सबसेट ऑफ सी भी होगा, इक्वल सेट भी हैं। अगर देखे 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 सी और डी इक्वल भी हैं, तो अगर ये इक्वल है तो मैं अगर कहूँगा सी एज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये भी तो कह सकता हूँ ना मैं। अगर वो इक्वल हो सकता है तो एवरी सेट सबसेट ऑफ इटसेल्फ भी तो हो सकता है। गाइस इधर देखें जरा, वैसे अगर मैं सुपरसेट की बात मतलब बारी अगर अगर हमारी आए तो सुपरसेट का मतलब क्या भाई? सुपरसेट का मतलब है सुपर आला बाला। हाँ सुपर का तो मतलब यही है ना कि कोई ना कोई उसके मातहत होगा। मातहत का मतलब है कि अंडर होगा। अंडर का मतलब है कोई ना कोई चीज कम होगी। तो बी जो है वो ए का सुपरसेट हो गया क्योंकि बी में ज्यादा है। अब सी जो है वो बी का सुपरसेट है, मगर सी और डी एक दूसरे का सुपरसेट नहीं हो सकते। सुपरसेट का मतलब है एक ज्यादा होगा, और उसी सुपरसेट को हम लोग ऐसे बयान करते हैं, बी जो है वो सुपरसेट ए का है, एंड सी भी सुपरसेट किसका है? बी का है। डी भी सुपरसेट बी का है, डी ए का भी सुपरसेट है। कहानी समझ आ रही है? आगे 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 सिर्फ प्रॉपर सबसेट की बारी आती है। प्रॉपर सबसेट, सबसेट और प्रॉपर याद रखिएगा। प्रॉपर सबसेट वहां पे क्या था, अगर कोई छोटा हो जाए, देखें ए जो है वो बी का सबसेट है, सबसेट है, मगर बात यह कि ए इसका प्रॉपर सबसेट भी है। ए इसका प्रॉपर सबसेट भी होगा, प्रॉपर हमेशा छोटा होगा। अच्छा प्रॉपर सबसेट हमेशा छोटा होगा, मगर सबसेट जरूरी नहीं हमेशा छोटा हो। सबसेट तो वैसे तो ए तो बी सी का भी सबसेट है। ए और सी में डिफरेंस क्या है भाई? वन टू थ्री उसी में है, वन टू थ्री उसी में है, तो ए और सी आपस में सबसेट भी है, मगर प्रॉपर सबसेट नहीं है। प्रॉपर इसलिए नहीं है कि कम नहीं है। तो प्रॉपर सबसेट ए बी का होगा और सी भी बी का प्रॉपर सबसेट होगा। पर इम्प्रॉपर तब होता है जब इक्वल होते हैं, और इक्वल सेट जो है वो इम्प्रॉपर भी कहलाते हैं। कहानी समझ आ रही है सर? ये प्रॉपर है सर, ये प्रॉपर सबसेट बाबू। ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा ना, प्रॉपर सबसेट छोटा है, प्रॉपर खास मानु है। जो इक्वल होंगे वो इम्प्रॉपर होंगे, याद रखियो। ये डिसजॉइंट पढ़ लिया हम लोगों ने ना, एक मिनट एक मिनट एक मिनट देख लेता हूँ मैं प्रॉपर। इंशाल्लाह ये समझ आ गया होगा। अब यूनियन ऑफ टू सेट्स की अगर मैं बात करूं तो यूनियन ऑफ टू सेट्स में ऐसा होता है, इधर देखें जरा, लेट्स से ए यूनियन, यूनियन का हम लोग हमेशा ऐसे करते हैं, यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब ये है कि भाई अगर ए इज इक्वल टू वन टू कामा थ्री है मिसाल के तौर पे, एंड बी इज इक्वल टू आपके पास फोर कामा फाइव है मिसाल के तौर पे, ऐसे है। तो ए यूनियन बी कैसे होगा? ए यूनियन बी कैसे होगा भाई? ए यूनियन बी का यूनियन का मतलब है ए और बी में जितने भी एलिमेंट है वो साथ में रख दें। तो ऊपर वन टू थ्री है, नीचे क्या है फोर फाइव है, तो वन टू थ्री फोर फाइव होगा, ये आपकी यूनियन हो गई। ये यूनियन कहलाती है, यूनियन ऑफ टू सेट्स। अगर फॉर सपोज मैं आपको ये कहूँ कि भाई थोड़ी तकलीफ दूँ यहाँ पे, लेट्स से कि भाई अगर ए आपके पास वन
टू थ्री है, वन टू थ्री है, एंड बी आपके पास जो है वो लेट्स से कि भाई थ्री फोर फाइव है। ऐसा नहीं है कि तीन उसमें भी है तीन इसमें भी है, तो दोनों उसमें भी तीन इसमें भी तीन, तो दो दो तीन रख दीजिएगा। तो ए यूनियन बी आपके पास वन टू तीन एक आएगा, कोई मसला नहीं है, फोर और फाइव होगा, ठीक है ना। यूनियन का मतलब ये है। एंड उसके बाद अगर मैं इंटरसेक्शन की बात मतलब बात करूं, तो फॉर सपोज ए इज इक्वल टू वन कामा टू कामा थ्री है, बी इज इक्वल टू टू कामा थ्री कामा फोर है, तो इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब है जो सेम है वो रख दें। अब सेम कौन कौन से है मुझे बताएगा, सेम दोनों में से कौन कौन से हैं, टू सेम है और थ्री सेम है, जो सेम है इंटरसेक्शन का मतलब यही है, जो सेम है वो रख दें, टू कामा थ्री ये सेम आ गया तो आप ये सेम रख दें, इंटरसेक्शन का मतलब यही है। अब डिफरेंस की अगर मैं बात मतलब बात करूं तो डिफरेंस क्या होगा, तो भाई ए इज इक्वल टू, अब फॉर सपोज मैं कहूँ कि भाई ए इज इक्वल टू वन कामा टू कामा थ्री है, फॉर सपोज बी इज इक्वल टू थ्री कामा फोर कामा फाइव है। अब डिफरेंस क्या होता है, सिंपली कट डिफरेंस का मतलब ये ए डिफरेंस बी, मतलब बी जो है वो ए से डिफरेंस करना है। डिफरेंस का मतलब है जो सेम है ना आपके सेम, इधर देखे जरा वो सेम आप उनको कट कर दें। अब जो इंटरसेक्शन वाले हैं सेम है उनको कट कर दें, और डिफरेंस का मतलब है जो पहले में बच जाए, पहले में मैं अभी का बात कर रहा हूँ, जो पहले में बच जाए वो रख दें, दूसरे में बचे वो हमारा ताल्लुक ही नहीं है, जो पहले में बच जाए क्योंकि दूसरा पहले से कट कर रहे हैं तो पहले में जो बच रहे हैं हम लोग वो रख रहे हैं, तो वन कामा टू पहले में आ जाएगा। तो ए डिफरेंस बी का मतलब यही है। गेटिंग माय पॉइंट? शाबाश। अब जो क्योंकि डिफरेंस भी हो गया, डिस्टेंट वगैरह भी हो गया, गाइस एक मिनट मेरे पास कॉल आ रही है, एक मिनट। जी गाइस, तो यहाँ तक का समझ आ गया, कहीं को कहीं पे अगर कंफ्यूजन है तो वो इंशाल्लाह मतलब ऑब्वियसली फिर से अगर आप थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि किसी के लिए हो सकता है ये न्यू टॉपिक हो ना, तो उनके लिए ये भी प्रॉब्लम बन सकता है, तो उस वाले से चलें ठीक है। आई थिंक वी शुड से गुड लक, एंड आज के लिए इतना काफ़ी है सेट का, एंड कल हम लोग वेन डायग्राम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वेन डायग्राम बहुत ज़्यादा जरूरी लग रहा है और लोगों के रिएक्शंस बता रहे हैं। तो गाइज विश यू बेस्ट ऑफ लक, बस उम्मीद ये है कि अच्छे खासे एक और दो टॉपिक कर लें हम लोग कवर, मेरी कोशिश पूरी ये है अपनी ना, तो इंशाल्लाह करते हैं, कोई मसला नहीं है। एंड स्ट्रेंथ मुझे बहुत डिस्करेज कर रही है आप लोग, स्ट्रेंथ माशाल्लाह बहुत बहुत कम है ना, तो क्या करा जा सकता है ना, जो रेगुलर बंदे हैं वो तो मेरी नज़र में है कि रेगुलर कौन है, और जब भी मिलेंगे इंशाल्लाह एहतराम से मैं खुद मिलूंगा ना, कहीं मसला नहीं है। कोई लोग आएंगे सर कैसे हैं, ठीक है, कौन है भाई, वैसे क्लास वर्दा है ना, लो छाता ना लो अड़ी हुई तो कौन था छा फील करना हुए हैं ये चीज़ है, तो चले चले कोई मसला नहीं है। तो ऑब्वियसली ये लाइफ है, ऑब्वियसली क्लास ना भी लें फिर भी हमारे पास रिस्पेक्ट होगी हर किसी के लिए, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। चलें गाइस, हमेशा हंसते रहें मुस्कुराते रहें और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, ठीक है, चले ठीक, कोई मसला नहीं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।